इस वीडियो का काफी लोगों को इंतजार था। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीजन ओएस आपको देखने को मिल रहा है एंड नीचे की ओर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 13 देखने को आ रहा है। सो आप भी इस डिवाइस में यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ये डिवाइस है तो। सीखना चाहते हैं तो पूरा वीडियो को जरूर देखिए। कैसे हैं, मैं हूं जुसान, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। गाइस मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि इस डिवाइस में आप जो है एंड्रॉइड 13 कैसे आप जो है यूज कर सकते हैं। काफी लोग जो है मैसेज किए थे, काफी लोग कमेंट किए थे, मैं परेशान भी हो गया था। सो मैं जो है ये बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि कैसे आप एंड्रॉइड 13 वर्जन जो है इस डिवाइस में यूज कर सकते हैं। अगर आपको स्किप नहीं करना होगा, पूरा वीडियो को देखना होगा अगर आप जो है एंड्रॉइड 13 यूज करना चाहते हैं इस डिवाइस में तो। जी हाँ, आपको शो ऑफ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पे। अगर आपको आपके डिवाइस में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ भी चीज सीखना हो, आप जो है मैसेज कीजिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अगर आपके पास ये डिवाइस है तो। इन फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम हो, सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप जो है इस चैनल के वीडियो को देख के ले सकते हैं। ऑलरेडी काफी लोग सब्सक्राइब करके रखे हैं, सो आप भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप ये डिवाइस यूज करते हैं तो। चलिए यहाँ पे सीख लेते हैं कि एंड्रॉइड 13 जो है इस डिवाइस में कैसे हम यूज कर सकते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपके जो डिवाइस का, इसी डिवाइस का जो सेटिंग वाला ऑप्शन है, बस सेटिंग आना है, सेटिंग को ओपन करते हैं, नीचे की ओर आना है, अबाउट, अबाउट डिवाइस जो है देखने को मिलेगा, बस उसी अबाउट डिवाइस पे क्लिक कर लेना है। अब आपको ऊपर की ओर जो है अपडेट देखने को मिलेगा, अप टू डेट ऑफिशियल इस तरह करके, या फिर जो है एंड्रॉइड 12 आपको जो है शो अप होगा। लेकिन आपको क्या करना है, इस पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वर्जन अप टू डेट का ऑप्शन इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉइड 12 आपको जो है वहां पे शो अप हो जाएगा आपके इस डिवाइस में। ओके, लेकिन यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो तरीका बताना है उसे आपको फॉलो करना है। ऊपर की ओर 3 डॉट जो है देखने को मिलेगा, बस उसी 3 डॉट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे उस 3 डॉट पे क्लिक करोगे, दो ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, नीचे की ओर आप, ऊपर की ओर आपको ऑटो अपडेट एंड नीचे की ओर बीटा प्रोग्राम। बस आपको क्या करना है, नीचे वाला ऑप्शन जो है बीटा प्रोग्राम पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद लोडिंग होगा, लोडिंग होने के बाद आपके सामने जो है पेज जो है यहाँ पे जो है ओपन होकर आ जाएंगे, देख सकते हैं इस तरह करके। अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ट्राई ऑफिशियल वर्जन, ये ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे जो है इस पेज में आपको जो है देखने को मिलेगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से आपको यहाँ पे शो अप हो जाएगा। सो यहाँ पे काफी कुछ आपको जो है देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीजन ओएस 13 करके, एंड उसके बाद है अबाउट दिस अपडेट, यानी ये जो आप जो अपडेट, ये अपडेट जो आप अपने डिवाइस में अप्लाई करेंगे। सो ये अपडेट क्या है, आइए उसको जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है अबाउट दिस अपडेट, ये सिस्टम अपडेट इज अवेलेबल, सिस्टम विल बी अपग्रेड टू एंड्रॉइड 13। जी हाँ, एंड्रॉइड 13 आप जो है यूज कर पाओगे इस जो है अपडेट के बाद। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए न्यू डिजाइन फिलोसोफी अफर्मेटिव डिजाइन, यानी क्या बोल रहा है कि इसका जो सिस्टम सेटिंग वोटिंग जो जितना सारा है पूरा आपको जो हल्का सा चेंज किया हुआ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड कलर में भी आपको यहाँ पे कुछ जो है चेंज जो है देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि ये एंड्रॉइड 13 है, इसमें आपको ज्यादा जो है लुकिंग आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा बेटर आपको यहाँ पे फॉन्ट वोंट ये सब जो है देखने को आएगा अगर आप ये अपडेट करेंगे तो। और भी काफी सारे जो है फीचर्स है इस डिवाइस में आपको देखने को मिलेगा अगर आप एंड्रॉइड 13 यूज करेंगे तो। जी हाँ, मैं पहले ही आपको बताया था कि इस डिवाइस में काफी सारे ऐसे फीचर्स है जो आपको मालूम नहीं है। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सारा चीज मैं आपको एक एक करके जो है इस चैनल पे बताते रहता हूँ इस डिवाइस रिलेटेड। सो अब आपको यहाँ पे जो है देख सकते हैं पूरा, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, एंड नीचे की ओर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आई हैव रीड एंड एग्री का ऑप्शन, बस इस पर आपको टिक कर देना। जैसे टिक करोगे नीचे की ओर देखने को मिलेगा आपको अप्लाई फॉर ट्रेल ट्रेल, ओके यहाँ पे देखने को मिलेगा नीचे की ओर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे शो अप होगा अप्लाई फॉर ट्रेल पे। जैसे आपको क्या करना है उसी अप्लाई पे क्लिक कर लेना है, जैसे आप जो है क्लिक करोगे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी आप जो है एप्लीकेशन सबमिट कर दिए जो बताया था उस पर टिक लगाने के बाद। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यू कैन ऑल्सो चेक अपडेट, यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे होता है, एंड नीचे की ओर आपको देखने को मिलेगा कैंसिल, अगर आपको कैंसिल करना है तो दूसरा वाला पे क्लिक करना, अगर आप जो है कैंसिल नहीं करना चाहते हैं तो नीचे की ओर आपको देखने को मिलेगा चेक फॉर अपडेट का ऑप्शन। सो आपको क्या करना है, चेक फॉर अपडेट पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं अपडेट अवेलेबल कितना एमबी का लेगा, यहाँ पे 4.50 MB का लेगा, ध्यान रखना 4.50 MB का लेगा, एंड एंड्रॉइड 13 आपको नीचे की ओर आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है, गौर से देखिएगा। ओके, एंड इसी के नीचे आपको देखने को मिल रहा है नीचे की ओर यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम अपडेट इज अवेलेबल योर सिस्टम विल बी, मैंने पूरा डिजाइन के बारे में बताता है। अब नीचे की ओर डाउनलोड वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, अब आपको क्या करना है इसी डाउनलोड वाला बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। याद रखना पहले जो है एमबी जो है देख सकते हैं कि इतना एमबी अगर आपके डिवाइस में है तो आप क्लिक कर लीजिए। ओके, नहीं है तो बाद में कर लेना। जैसे आप क्लिक करोगे उस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो है डाउनलोड होना ये जो शुरू हो जाएगा। ओके, 4.50 MB का ये जो है अपडेट लेगा, जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, ये अपडेट जो है कंप्लीट हो जाएगा, अब उसके बाद क्या होगा कि आपका डिवाइस पे वहीं पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन जो है आएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे उस पर इंस्टॉल वाला बटन पे आप क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली आपका डिवाइस ऑफ हो जाएगा,
जाएगा एंड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आपको छेड़खानी नहीं करना होगा। ओके, सो अपडेट अगर आप जो है करेंगे, सो इस तरह से जो मैं तरीका यहाँ पे बताया, इसी के मदद से आप एंड्रॉइड 13 जो है यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही सोचेंगे कि ऐसे ही आ जाएगा मेरे जो सिस्टम में, सो ऐसे ही आ सकता है, कब आएगा कोई पता नहीं, लेकिन अगर आप जो है एंड्रॉइड 13 यूज करना चाहते हैं तो इस तरीका को यूज कीजिए एंड एंड्रॉइड 13 का मजा आप ले सकते हैं इस डिवाइस में। सो गाइस, आई होप कि आप समझ चुके हैं। सो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आप जो है कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी यहां पे प्रॉब्लम हो या कुछ न्यू चीज सीखना हो, कमेंट जरूर करके जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए जय हिंद।